स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज अस्थमा एंड COPD। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में पूछती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि मुझे अस्थमा एंड COPD के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनाने के लिए। सो वही टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ। अस्थमा एंड COPD डी फार्म में तो ब्रॉड में नहीं है, लेकिन ये बी फार्म में एंड पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। सो अस्थमा एंड COPD वैसे जनरल बेसिस के तो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें जनरली पता ही होना चाहिए कि अस्थमा किस तरीके से अराइज होता है, क्या होता है अस्थमा, COPD क्या होता है, क्योंकि कई सारे मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं होते हैं, एंड इससे ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है या किस तरीके से प्रिवेंशन करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो अस्थमा एंड COPD, जैसे मैंने यहाँ पे लंग्स बनाया है, बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ ठीक है। सो अस्थमा एंड COPD ये दोनों ही हमारी कौन सी डिजीज है, दैट इज ये दोनों ही हमारी लंग्स की डिजीज है, राइट। अब दोनों में अंतर क्या है, एक को अस्थमा क्यों बोल रहे हैं, एक को COPD की बोल रहे हैं। COPD का फुल फॉर्म क्या है वो मैं बताऊंगी आगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस क्या क्या करेंगे मैं वो बता देती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी किसकी, अस्थमा की भी एंड COPD की। अस्थमा किस तरीके से होता है एंड COPD किस तरीके से होता है, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉजेज कि क्या कॉजेज हैं दोनों के, अस्थमा के होने की कॉजेज क्या है, COPD की होने की कॉजेज क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों के पैथोफिजियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगी कि क्या दोनों में डिफरेंस है, राइट। इसके बाद से मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी, ट्रीटमेंट इन द सेंस ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो मेडिकेशन हम लेते हैं किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। सो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो अस्थमा एंड COPD का ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉमन ही होता है, क्योंकि दोनों ही लंग्स की डिजीज है। दोनों में ही क्या हमें मेन कॉज होता है कि भाई प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन या प्रॉपर अमाउंट में एयर को लंग्स में पहुंचाना। सो दोनों के ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकेशंस कॉमन होती हैं, इसलिए इसमें दोनों ज्यादा में डिफरेंस नहीं होता, राइट। सो ये हमारी ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, अस्थमा एंड COPD की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ओके। अब देखिए फिनोमिना क्या है यहाँ पे, ये लंग्स है हमारे। लंग्स का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एंटर कराना, या फिर ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज करवाना। सिर्फ ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन एंटर करती है एंड CO2 जो है वो एग्जिट होती है हमारी बॉडी से। सो इस लंग्स में इसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारा इधर वाला पोर्शन, इसको हमने बोला ब्रोंकाई, ठीक है ना, जहाँ से एयर जो या ऑक्सीजन है वो एंटर करती है एंड फिर ये राइट लंग ये लेफ्ट लंग दोनों में डिवाइड हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे ये ब्रोंकाइज है, इनको हम बोलते हैं, जिनको ब्रांचेस भी हम बोलते हैं, इन ब्रांचेस के थ्रू जो गैसेस हैं वो राइट लंग एंड लेफ्ट, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, तो इस तरीके से जो गैसेस हैं वो दोनों तरफ के लंग्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब ये ब्रांचेस उस गैसेस को ले करके जाती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारे लंग्स की, दैट जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एल्वियोली। मैं ऐसे ही सुपरफिशियली बना रही हूँ कि इन बलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में बहुत सारे होते हैं, तो उस बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ले जाकर उस जो ऑक्सीजन है या गैसेज हैं उनको ड्रेन करते हैं एंड देन वहां से ब्लड कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है। तो ये हमारा मेन लंग्स का एक फंक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का या गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है, फिर ब्लड कैपिलरी लंग से उस ऑक्सीजन को उठा करके पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो अगर ये लंग्स ना हो तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है या गैसेस का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। एंड हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए जो ऑक्सीजन है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की सेल्स डाई हो जाएंगी अगर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को ना मिले, राइट। तो ये हमें पता है कि लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को एंटर करवाता है लंग्स में एंड देन वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, राइट। तो इसमें जो हेल्प करते हैं ये हमारे ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, तो ब्रोंकाई जो है वो दो तरफ के ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट ब्रोंकियोल्स एंड लेफ्ट ब्रोंकियोल्स, राइट। अब फिर इसमें प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स एंड टर्शियरी, मतलब बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं एंड उन्हीं ब्रांचेस के थ्रू जो माइन्यूट एल्वियोली जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना उनमें जाकर के ये जो गैसेस हैं वो फिल हो जाती हैं, ऑक्सीजन जो है वो फिल हो जाती है एंड फिर इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड कैपिलरी उस ऑक्सीजन को उठाती है एंड पूरे बॉडी में ट्रेवल करवाती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो मेन चीजें हैं,
है हमारा क्या, ब्रोंकाई, दूसरा क्या है हमारा एल्वियोली, ठीक है। सो ब्रोंकाई एक पैसेज है जिसके थ्रू गैसेस को एंटर होना है लंग्स में, और इस एग्जांपल समझिए कि अगर कोई भी चीज को किसी पैसेज से जाना है कहीं पे, तो वो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर वो पैसेज ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट है जिस भी मीडियम का, जिस भी सब्सटेंस का, वो हिंडर हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। तो सेम हमारे लिए इस लंग्स में जो पैसेज है ना, जहाँ से गैसेस आ रही हैं, ये ब्रोंकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पैसेज में कोई दिक्कत हो जाएगी, ब्रोंकाइज में कोई दिक्कत हो जाएगी, एयर पाथवे में कोई दिक्कत हो जाएगी, तो लंग्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या गैसेस नहीं पहुंच पाएंगी, या फिर लंग्स से जो CO2 है एटमॉस्फेयर में जाने, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं रह पाएंगे। तो एक नॉर्मल, अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द ब्रोंकाई, ठीक है ना, एक नॉर्मल एयर पैसेज है। इस नॉर्मल पैसेज में क्या होता है कि भाई ये वॉल मैंने बनाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर की तरफ से पाइप होता है ना, अंदर खोखला होता है, बाहर से वॉल होती है। तो सेम वैसे ही इतना जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये अंदर से ओपनिंग, ये बोल सकते हैं एम्प्टी ट्यूब टाइप का होता है, एंड ऊपर से ये ट्यूब लाइक या गोल लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इस ब्रोंकाई का। तो नॉर्मली इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जितना आपको स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस में जो गैसेज हैं वो ट्रेवल करती हैं। नॉर्मल पाथवे, किसी हेल्दी पर्सन का पाथवे ऐसा ही होगा। एंड ये जो है ना, ये वॉल है इस ब्रोंकाई की, जिसको हम बोलते हैं पाथवे ऑफ एयर या एयर पैसेज, ठीक है ना। तो ये वॉल है, एंड ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये एम्प्टी सेक्शन है जहां से गैसेस जो है वो अंदर हमारे लंग्स में ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब एक समझ लीजिए कि पाइप है, पाइप का मतलब इसमें अंदर जो होल है उससे हमारा जो एयर का पैसेज है या गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होना है, एंड जो आउटर है वो जो वॉल है वो हमारी एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई है। अब होता क्या है कि अस्थमा हो या COPD, इन दोनों ही कंडीशन में एक चीज याद रखना है आपको कि दोनों ही कंडीशन में जो एयर पैसेज है वो एयर पैसेज कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। दोनों ही कंडीशन, पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जो मेन कॉन्सिक्वेंसेज है कि अल्टीमेटली हो क्या जाता है, तो अल्टीमेटली जो पैसेज है ना एयर का, जिससे एयर या गैसेज एक्सचेंज होना है, वो पैसेज जो काफी कंस्ट्रिक्ट होता है। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये पैसेज कितना ब्रॉडर है, एंड इधर वाला जो पैसेज है काफी कम ब्रॉडर, यानी कि लेस एरिया है। तो अब लेस एरिया होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आनी है बॉडी में, वो भी कम होगी, एंड जो बॉडी से CO2 जानी है वो भी, उसको भी काफी प्रॉब्लम होगी एक्सहेल आउट करने में, तो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होगा। तो यही जो अस्थमा एंड COPD है, इसमें जो पैसेज है, जो पाथवे ऑफ एयर है, इट बिकम कंस्ट्रिक्टेड पैसेज, या आप बोल सकते हैं कि पैसेज ऑफ एयर वे बिकम कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है कि कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ब्रोंकाई, जो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेस एयर एंटर करेगी, लेस ऑक्सीजन एंटर इनटू द लंग्स, ठीक है। तो लेस एयर एंटर करेगी लंग्स में, लेकिन अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्या कॉजेस क्या है, क्या मेन इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो हमें पता चला कि ऐसा होता है लास्ट में, लेकिन ऐसा होने का कॉज क्या है। तो मैं एक तरफ अस्थमा बताऊंगी और एक तरफ COPD बताऊंगी, देन हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, राइट। तो स्क्वैमस एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स जो कि रिलीज करती है म्यूकस, एंड ये जो म्यूकस है ये कब रिलीज होता है, ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि अगर ब्रोंकाई में कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगी तो उसके रिस्पॉन्स में ये म्यूकस का सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से होंगी, ड्यू टू द एलर्जेंस, यानी कि कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को इंड्यूस करते हैं या ट्रिगर करते हैं। अब ये एलर्जेंस मतलब एलर्जेंस को अगर मैं थोड़ा साइंटिफिकली बोलूं तो दे आर कॉल्ड द एंटीजेंस, राइट, जो कि बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या आप बोल सकते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये एलर्जेंस होते क्या है, अब ये एलर्जेंस कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो जिसको हमारी बॉडी या रेजिस्ट करती है, या जिसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल समझती है। जैसे किसी किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, जो फ्लावर्स के जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, राइट, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं तो वहां पे उनको बहुत स्नीजिंग कफिंग इंड्यूस होने लगती है।
किसी किसी को स्मोक से, है ना, स्मोक से जो धुआं निकल रहा है या जो सिगरेट का जो धुआं है या फिर जो स्मोकिंग लोग करते हैं उस वजह से भी वो भी एक एलर्जेंस होते हैं बॉडी में जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो भी बॉडी के लिए एक एलर्जेंस की तरह होती है, इनकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर सकती हैं। सो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हमारी बॉडी, कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हमारी बॉडी एज ए एलर्जन ट्रिगर करती है या वो हमारी बॉडी या हमारी बॉडी उन सब्सटेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी उसके लिए हमारी बॉडी रिएक्शंस शो करेगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप जिस पर्सन को पसंद नहीं करते हो तो भाई वो पर्सन अगर आपके घर में आ जाए तो भाई आप उसको धक्के मार के निकालेंगे। सेम वही कंसेप्ट है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको हमारी बॉडी या एक्सेप्ट नहीं करती है उन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलर्जेंस, एंड उन्हीं एलर्जेंस के ही ट्रिगर में या उन्हीं एलर्जेंस के ही रिस्पॉन्स में बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, एंड उन्हीं एलर्जेंस को हमारी बॉडी बोलती है या हम बोलते हैं एंटीजेंस। ठीक है, अब ये एंटीजेंस क्या करते हैं बॉडी में जाकर के? सो ये एंटीजेंस बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में होती हैं मास्ट सेल्स कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये एक मास्ट सेल है। ठीक है, काफी बड़ी होती है ये, एक हमारी WBC की एक सेल होती है मास्ट सेल। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए या बॉडी के में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ एंटर कर गया तो उससे हमारी बॉडी को रेजिस्ट करती है या उसको धक्के मार के निकालने का काम करती है। तो इस मास्ट सेल के ऊपर ना कई सारी एंटीबॉडीज बनी रहती हैं, मतलब कि तुम कोई भी अगर मान लीजिए कि फॉरेन पार्टिकल अगर आ गया तो वो फॉरेन पार्टिकल सबसे पहले आ करके बाइंड होगा इस एंटीबॉडी पे। ये क्या है, ये एंटीबॉडी है। ठीक है, एंड ये क्या है, ये हमारा एंटीजन है जिसको हमने एलर्जन भी बोला। तो अब जैसे ही वो एलर्जन या एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो वो एलर्जन बाइंड करेगा मास्ट सेल। ये क्या है, मास्ट सेल। ये मास्ट सेल के ऊपर जो प्रेजेंट एंटीबॉडीज हैं इनसे बाइंड करेगा, एंड बाइंड करने के बाद क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बनेगी। यानी कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक साथ मिल गई, मिलने के बाद अब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा इस मास्ट सेल से एक केमिकल रिलीज होगा जिसका नाम है हिस्टामीन। ये एक केमिकल मीडिएटर है हिस्टामीन। अब ये हिस्टामीन तभी रिलीज होगा जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। तो ये हिस्टामीन जब रिलीज हुआ तो अब ये हिस्टामीन ट्रिगर करेगा किसको, इस म्यूकस के स्क्वामस एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स की ब्रोंकाई। तब ये हिस्टामीन ट्रिगर करेगा किसको, ब्रोंकाई में जो हमारी पाई जाती है ना ये एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स, इनको ट्रिगर करेगा एंड म्यूकस के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। कौन, ये हिस्टामीन। ठीक है, यानी हिस्टामिन क्या एक तरह से सिग्नल दे रहा है, हिस्टामिन सिग्नल दे रहा है कि भाई बॉडी में ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल एंटर कर गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। राइट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो ये ट्रिगर करेगा इस एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स को कि तुम म्यूकस का सिक्रेशन करो। म्यूकस का सिक्रेशन होगा तो जो भी फॉरेन पार्टिकल है ना वो उस म्यूकस में अंट्रैप हो जाएगा। मान लीजिए कि ये अगर ब्रोंकाई है एंड इसमें अगर ये हमारी वॉल है, ठीक है ना, एंड इस वॉल से अगर म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए ये इतना म्यूकस, इसकी वॉल से इतना म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो म्यूकस का सिक्रेशन क्यों होगा बेसिकली, ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल है ना, जो भी जो एलर्जन है वो इस म्यूकस में ट्रैप हो जाए। राइट, ट्रैप होकर के एंड देन वो जो म्यूकस है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दे, तो साथ ही साथ वो एलर्जन जो एंटीजन है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो म्यूकस का सिक्रेशन ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कौन, किसकी वजह से हो रहा है, मास्ट सेल्स में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, एंड ये हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रोंकाई में जो म्यूकस का सिक्रेशन है उसके लिए। तो जितना ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा बॉडी से ब्रोंकाई में म्यूकस का सिक्रेशन होगा, एंड म्यूकस का सिक्रेशन अगर ज्यादा होगा तो ब्रोंकाई की जो वॉल है उसमें जो पैसेज है, देखिए आप देखिए कि यहाँ पे जो पैसेज नॉर्मल था वो पैसेज अब कम हो गया। क्यों, क्योंकि वॉल से ना म्यूकस का सिक्रेशन होने लगा ताकि वो एलर्जन को ट्रैप करने के लिए। तो यही रीजन है कि अस्थमा में या COPD में
जो ब्रोंकाई की जो वॉल है ना वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे एलर्जेंस या एंटीजेंस एंटर करते हैं जिसको बॉडी ट्रैप करके म्यूकस के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करवाना चाहती है, या फिर कोई सारी रिएक्शंस के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करवाना चाहती है। हालांकि अभी आप सीओपीडी को इसमें ऐड नहीं करिएगा, मैं सीओपीडी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी तब आपको ज्यादा समझ। अभी ये हमारा सिर्फ अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी चल रही है, जिसमें कि हमने समझा कि ये जो अस्थमा में क्या होता है कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं ड्यू टू द एलर्जेंस। अब ये एलर्जेंस कुछ एंटीजेंस होते हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड इन पार्टिकल्स के रिस्पॉन्स में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं। वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है। ये हिस्टामिन म्यूकस का सिक्रीशन कराता है। म्यूकस का सिक्रीशन होने की वजह से जो ब्रोंकाई की जो वॉल है वो वहाँ पे बहुत सारा म्यूकस बोल सकते हैं कि प्लग हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल है वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब वॉल अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो एयर का पैसेज है वो काफी कम हो जाएगा। तो एयर का पैसेज अगर कम हो जाएगा तो हमारे लंग्स में डिक्रीज, जो लंग्स में जो ऑक्सीजन की या बोल सकते हैं जो लंग्स में एयर का वॉल्यूम है या बोल सकते हैं कि जो लंग्स में एयर जा रही है वो भी कम होगी। अगर जो पैसे यहाँ पे कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो लंग्स में ऑक्सीजन जितनी जा रही है या जो गैसेस जितनी जानी चाहिए उनका जो कंजप्शन है या एयर पैसेज जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो लंग्स की जो लंग्स में जो एयर एंटर कर रही है राइट, वो वॉल्यूम भी लंग्स में जब यहाँ पे एयर पैसेज कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से जो एयर है उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। यानी कि आप बोल सकते हैं एयर वॉल्यूम कम, यानी कि जितनी ज्यादा एयर पहले जानी थी उतनी ज्यादा अब लंग्स में नहीं जा रही है। तो लेस एयर वॉल्यूम होने की वजह से जो लंग्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ सकता है, यानी कि जो लंग्स अब सांस फूलेगी क्योंकि कम अमाउंट ऑफ एयर जा रही है। देखिए इसका भी एक फंडा समझिए क्या है, जब लेस एयर या लेस ऑक्सीजन जब लंग्स में एंटर करेगी ना तो लंग्स, क्योंकि हमारे हार्ट को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ठीक है, यानी कि बॉडी में पंप करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो अब ऑक्सीजन कम आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोंकाई वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो गया है, कम एयर आ रही है लेकिन हमारी बॉडी को तो उतनी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो अब हमारा जो लंग्स है हमारा ब्रेन क्या करता है ना कि जो रेस्पिरेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ठीक है ना, ब्रीदिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर देगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेगा, कोई पर्सन जिसको अस्थमा होगा वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो ज्यादा आ जाए। तो ये फ्रीक्वेंसी इसीलिए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बढ़ेगी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो जो सांस का जो शॉर्टनेस है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी इंसान सांस लेता है। तो ये एक इंडिकेशन है अस्थमा का। सो अस्थमा में बेसिकली होता क्या है कि बॉडी में कई ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है एंड एयर पैसेज। हाँ एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई हूँ कि सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रेशन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको हटाती हूँ, चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एलर्जन जब बॉडी में एंटर करेगा राइट, तो एलर्जन की वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो मास्ट सेल से क्या रिलीज होगा, मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन ठीक है ना, एंड ये हिस्टामिन बॉडी में कई सारे म्यूकस का सिक्रीशन करेगा। साथ ही साथ एक और चीज करता है, मैं आपको बता दूं ये दो चीज करता है, पहला तो म्यूकस का सिक्रीशन को इंक्रीज करना ठीक है ना, साथ ही साथ ये करता है ब्रोंकोस्पाज्म। अब ये ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई, इसका कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई ठीक है ना, यानी कि दो चीजें हो रही हैं, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है एंड साथ ही साथ ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। ये म्यूकस का सिक्रेशन क्यों हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से एंड हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, एंड ये हिस्टामिन ब्रोंको यानी ब्रोंकाई का कंस्ट्रिक्शन करे, पैसेज को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है एंड म्यूकस का सिक्रेशन कर, दोनों ही कंडीशन से ब्रोंकाई का जो पैसेज है वो काफी कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग्स। लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
सांस फूलेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है हमें यहाँ पे, जो अस्थमा है ना ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अस्थमा का अटैक्स आते हैं कॉन्टिन्यूअसली, कोई पर्सन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में नहीं रहेगा, यानी कि ये ट्रिगर होता है जब एलर्जन बॉडी में एंटर करेगा या एलर्जिक रिएक्शंस शो होंगी, तब कॉन्टिन्यूअसली अस्थमा का अटैक या कॉन्टिन्यूअसली कोई पर्सन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में नहीं रहेगा। सो अस्थमा इज अ डिजीज विच कैन बी रिवर्सिबल, अस्थमा इज अ डिजीज which can be characterized by the airway inflammation which can be reversible, right? जो कि reversible हो सकता है, यानी कि continuously अगर या allergic reaction starting से अगर so asthma is a disease which can be characterized by the inflammation in the airway passage या airway pathway and which can be reversible, जो कि reversible हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई person उस allergen के contact में है, ये effect हो रहा है, तो अगर उस allergen के contact से हट जाए तो ये trigger होना बंद हो जाएगा, right? So ये asthma जो है ये reversible होता है, can treat भी हो सकता है, but हाँ genetic नहीं होना चाहिए। genetic कभी कभी genetic भी होता है, अगर किसी के father या mother को asthma है तो उसके चाइल्ड को 6 या 6 times ज्यादा चांसेस हैं उसके चाइल्ड को ही अस्थमा होने के। सो क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है या इनहेरिटेड होता है, राइट। सो ये अस्थमा एक रिवर्सिबल कंडीशन है, ओके। अब हम समझते हैं कि सीओपीडी क्या है। इसमें तो सीओपीडी में क्या है, सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या हम बोल सकते हैं डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, राइट। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो COPD है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज। ये जो लंग्स के डिजीज है ना उनके ग्रुप है, यानी कि लंग्स के कई सारे पार्ट्स में इंफेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, चाहे ब्रोंकाई में हो या एल्वियोली में हो, सो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं COPD। बट अंतर क्या है, अस्थमा में कोई भी एलर्जन जो है वो अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, बट सीओपीडी में क्या होता है कि बॉडी की ही कुछ, जैसे कि ल्यूकोट्राइन सेल्स, ठीक है ना, साइटोकाइनेंस, ये एक तरह के केमिकल मीडिएटर्स हैं या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, एंड ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लंग्स में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि बॉडी की इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, एंड वो कुछ तरीके की केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करती हैं। अब ये केमिकल मीडिएटर्स ही क्लॉ या जो ब्रोंकाई है वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, एंड वहां पे उस पैसेज को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। देखिए सिंपल ये है फंडा कि ये मीडिएटर्स का काम क्या होता है, मीडिएटर्स का काम है कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहां पे आकर के उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना या उनसे किल करना है वहां पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को। लेकिन सीओपीडी में क्या होता है कि अननेसेसरी या बिना किसी रीजन के, या ऐसा होता है कि रीजन के साथ ही कोई डिजीज है, तो उसकी वजह से जो ल्यूकोट्राइन्स हैं, साइटोकाइनेंस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, म्यूकस है, ये सारे के सारे ब्रोंकाई में या बोल सकते हैं लंग्स के वेरियस पार्ट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो जिसकी वजह से उस एरिया में जो पाथवे है वो क्लॉग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक डिजीज है, अगर मैं बोलूं एम्फाइसिमा, तो एम्फाइसिमा में क्या होता है कि जो एल्वियोली है ना, ये एल्वियोली है जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में जनरली ऑक्सीजन एंटर करता है, लेकिन एम्फाइसिमा में क्या होगा कि यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि फ्लूइड जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से, जैसे यहाँ पे ल्यूकोट्राइन सेल्स या साइटोकाइनिन सेल्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगी, एंड इस एल्वियोली में जो आप हो सकता है एयर को रिप्लेस करके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो इसी कंडीशन को हमने क्या बोला, एम्फाइसिमा, राइट। अब ये जो एम्फाइसिमा है इट कम्स अंडर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें कि पल्मोनरी में के किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गया है। इसके अलावा जैसे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है उसमें किसी भी तरह की जो सेल्स हैं, ये साइटोकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सारी आ करके वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज हो रहा है ब्रोंकाई में, जिसकी वजह से जो पाथवे है ब्रोंकाई का
वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन भी हमारी सीओपीडी का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आती है। सो सीओपीडी कैट इज अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज जिसमें कि लंग्स के वेरियस पार्ट्स में कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हमारी बॉडी में ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइनेंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस, इंटरल्यूकिंस, ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं ये जा करके वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई क्रोनिक डिजीज या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीओपीडी किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ केमिकल मीडिएटर्स वहाँ पे हो, कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है। एंड वो एलर्जिक रिएक्शंस अगर स्टार्टिंग में तो अस्थमा में रहेगी, लेकिन वही अगर केमिकल या वो एलर्जिक रिएक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग की कोई डिजीज अगर लंग्स की ट्रीट नहीं हुई तो वही डिजीज क्रोनिक हो जाएगी एंड वही क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहलाएगी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जितनी भी होती हैं दे आर वर्स अगेन, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे वर्स होती जाती हैं, प्रोग्रेसिव वर्स कंडीशन में चली जाती हैं, यानी कि वो ट्रीटेबल कंडीशन में नहीं रहती हैं। जबकि अस्थमा क्या है, एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें कि अगर कोई पर्सन जो एलर्जन के कॉन्टैक्ट से अगर दूर हो जाए तो उसको अस्थमा का अटैक भी आना कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो सिंपल है कि उसकी जो डिजीज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्स होती जाएगी जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। साथ ही अस्थमा में कुछ एलर्जेंस हैं जो कि अस्थमैटिक अटैक को ट्रिगर करते हैं, लेकिन सीओपीडी में कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन करने लगते हैं, ठीक है ना, एंड वहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस करते खुद वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो एरिया है, जो पैसेज है ब्रोंकाई का जिससे एयर एंटर होनी है वो पैसेज काफी नैरो हो जाता है, नैरो होने की वजह से लेस ऑक्सीजन जो है लंग्स में एंटर करती है। सो दोनों में ही क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमारे लंग्स में जा रही है ना वो कम ही होगी, लेकिन कॉज क्या है, एक में हो सकता है एलर्जन की वजह से हो, एक में हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइनेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट, इसके अलावा इंटरल्यूकिंस, ये सब हमारे क्या है, केमिकल मीडिएटर्स हैं। तो ये सब जाकर के वहां पे इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट ट्रिगर कर सकते हैं एंड कंडीशंस को वर्स्ट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरीके से किया जाएगा भाई, मेडिसिन के थ्रू दिया जाएगा। मैनेजमेंट का मतलब है कि हम डिजीज को मैनेज कर रहे हैं ताकि उसका प्रोग्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि उसका जो जितनी स्पीड से वो है डिजीज हो रही है उतनी उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। या फिर उसको हम प्रिवेंट कर लें कि भाई आगे होने से हम उसको बचा लें, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो अस्थमा में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सीओपीडी मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि भाई अगर किसी पर्सन को किसी सब्सटेंस से एलर्जिक रिएक्शन है, उसको एलर्जन जो है सूट नहीं करता, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे कि भाई आप उस एलर्जन से दूर रहिए या वो एलर्जन जो है आपकी कॉन्टैक्ट से दूर रहे, दैट इज अ मैनेजमेंट। या फिर तुरंत किस तरीके से अगर वो डिजीज उसको अटैक आ रहा है या उसको कोई ऐसा ऑक्सीजन का डिफिशेंसी हो रहा है तो किस तरीके से हम उसको ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी बॉडी में हम दे सके, दैट इज द मैनेजमेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम दो तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। पहला तो हम, मैंने बताया कि भाई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, एयर पैसेज कम है जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन जा रहा है, तो हमें तो पहले ब्रोंकाई को डायलेट करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में एंटर करे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। साथ ही साथ कि जो अननेसेसरी इन्फ्लामेशन हो रहा है या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहाँ ब्रोंकाई में रिलीज हो रहे हैं तो उनको हम कम कर दें, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे भाई, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में है तो उनको ब्लॉक करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ल्यूकोट्राइन्स, साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिंस, ये ऐसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं जो जा करके वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करती हैं एंड वहाँ पे एयर पैसेज को ब्लॉक कर देंगी। सो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारी तीन कैटेगरी आती हैं। पहला आता है हमारा बीटा टू एगोनिस्ट, हमारी जो ब्रोंकाई है उस पे बीटा टू रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो अगर हम ऐसी ड्रग्स दें जो बीटा टू रिसेप्टर्स पे ही काम करेंगी तो ब्रोंकोडायलेशन होगा, क्योंकि हमारी बीटा टू रिसेप्टर्स
ब्रोंको डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर हम ड्रग्स दें बीटा टू एगोनिस्ट तो वो भी ब्रोंको डायलेशन करेंगे, तो ब्रोंको डायलेशन होगा तो भाई एयर पैसेज के थ्रू एयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है ना। सो बीटा टू एगोनिस्ट में हमारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, काफी फेमस ड्रग है, दैट इज अ साल ब्यूटामोल, जो कि अस्थमा में अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई अस्थमा की ड्रग बताओ, तो सबसे पहले तो आपको साल ब्यूटामोल बता देनी है, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है साल ब्यूटामोल। टर्ब्यूटालीन, बंब्यूटेरॉल एंड साल्मेटेरॉल, दीज आर द बीटा टू एगोनिस्ट एंड दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द ब्रोंकाई फॉर द ब्रोंको डायलेशन। ओके, नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी एंटीकोलिनर्जिक। अब एंटीकोलिनर्जिक का रोल क्या है यहाँ पे, दे प्रिवेंट द म्यूकस सिक्रेशन। मैंने आपको बताया कि भाई जो ब्रोंकाई है उसमें जो एपिथीलियम सेल्स है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, तो अननेसेसरी जो म्यूकस का सिक्रेशन है वो भी एयर पैसेज को ब्लॉक कर रहा है, तो अगर हम म्यूकस के सिक्रेशन को कम कर दें तो जो ब्रोंकाई है उसका जो पैसेज है थोड़ा सा वाइडन हो सकता है, या वहां से एयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में एंटर कर सकती है लंग्स में। सो एंटीकोलिनर्जिक हमारी क्या ऐसी ड्रग्स हैं जो म्यूकस के प्रोडक्शन को, एंटी सिक्रेटरी होती है ना, तो म्यूकस के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पे म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होगा। तो इसमें ड्रग आती है हमारी, दैट इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड, ठीक है। थर्ड आती है हमारी ड्रग्स, दैट इज मिथाइल ज़ेंथिन। ये क्लास है, मिथाइल ज़ेंथिन एक क्लास है, यानी कि जो ड्रग्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में मिथाइल ज़ेंथिन का स्ट्रक्चर होगा उन ड्रग्स को एज अ ब्रोंको डायलेटर यूज किया जा सकता है, एंड उसमें काफी इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज हमारा थियोफाइलिन। सो थियोफाइलिन क्या, कौन सा कॉन्स्टेंट है, किस में पाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। थियोफाइलिन हमारी काफी एक नोन सब्सटेंस है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में थियोफाइलिन पाया जाता है, एंड हम आप लोग सब लोग काफी उसको बहुत अच्छे से उसका कंजप्शन करते हैं, रोज कंजप्शन करते हैं। सो आप मुझे बताइएगा जरूर कि थियोफाइलिन किस सब्सटेंस में पाया जाता है जो कि एज अ ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है, एंड इसका आंसर काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी, आप लोग पहले मुझे बताइएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, यानी कि ये इन्फ्लामेशन को कम करेंगी, तो इसमें हमारी आती है हमारी हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बैक्लोमिथासोन एंड फ्लूटिकासोन। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज होने से प्रिवेंट करेंगी, तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे, तो वहां पे जो ब्रोंकाई है उनका जो कंस्ट्रिक्शन है वो नहीं होगा। एक और क्लास है, मैं आपको यहाँ बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग क्लास है वो भी, दैट इज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड इसमें जो एक ड्रग आती है दैट इज अ मोंटेलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट, ठीक है ना। सो मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है कि इस ड्रग्स के थ्रू जो मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ना, तो हम उस मास्ट सेल को स्टेबल कर देंगे ताकि अननेसेसरी जो हिस्टामिन है वो रिलीज ना हो, एंड वो हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ना करे, तो इसलिए हमारी जो ड्रग है मोंटेलुकास्ट दे दी जाएगी ताकि वो जो मास्ट सेल वो स्टेबल रहे एंड उसे हिस्टामिन का रिलीज ना हो, एंड वो हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो। सो दीज ऑल आर द अस्थमा, सीओपीडी, देयर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड साथ ही साथ मुझे फिर से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बताऊँ। हालांकि इस बार में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है, टॉपिक किस यूनिट से मैं इंक्रीज लेने वाली हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।